टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि और भोपाल के इस खास बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। जी हां, मंदसौर में पुलिस और किसानों की झड़प में चार किसानों की मौत का असर सीहोर जिले में भी नजर आया। यहां भी किसानों ने उग्र आंदोलन किया। किसानों का आंदोलन छठे दिन और उग्र हो गया जब मंदसौर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबरों के बाद जिले में भी किसानों ने रौद्र रूप दिखाया। जिला मुख्यालय पर इछावर विधायक शैलेंद्र पटेल के साथ किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आंदोलन को देखते हुए कलेक्ट्रेट को पूरी तरह से छावनी बना दिया गया था। इधर श्यामपुर में किसानों ने हाईवे पर लौकी और प्याज फेंकने के साथ अपना विरोध जताया और बंद कराया। मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ के आह्वान पर नसरुल्लागंज में बंद रहा। और उनके खुद के जिले का किसान कर्ज में डूबा हुआ है, गले गले तक वो कर्ज में। आज हमारी मांग प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री से है कि किसानों का कर्जा तत्काल माफ किया जाए। हमारी पहली मांग है। आज की स्थिति ठीक नहीं है। एक और फसलें खराब हो रही हैं, दूसरी और फसल का सही मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हमारी दूसरी मांग है कि किसानों की जो फसल है उसका उचित मूल्य मिले। आज सोयाबीन का भाव मंडी में 2500 रुपए क्विंटल है, 2400 रुपए क्विंटल की मसूर हो गई है, गेहूं 1400 से 1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है। हमारी दूसरी मांग है कि किसानों की जो मूल्य है उसका उचित दाम किसानों को मिले, सही समर्थन मूल्य मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सड़क निर्माण में जब जिला पंचायत की बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तो पीडब्ल्यूडी की ईई ने इसे स्वीकारने से इनकार कर दिया। मंगलवार को आयोजित हुई बैठक में जिला पंचायत सदस्य ईई को दिखाने के लिए सड़क का एक हिस्सा ही उखाड़ लाए। यह अनोखा मामला भोपाल जिला पंचायत की साधारण सभा में सामने आया। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार मुद्दा उठता रहा है। मंगलवार को आयोजित साधारण सभा में सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा। सदस्यों ने लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग को निशाना बनाया। सदस्यों ने बैठक में विभागों द्वारा की जा रही लापरवाही के मामलों को प्रमुखता से उठाया। पहले प्रस्ताव दिया था आंगनबाड़ी की जांच के लिए, वही हिसाब ट्रांसफर होगा। आप आया कल ना है, एक तो आंगनबाड़ी बीडीए की जांच कर लो, वो जो ग्राम पंचायत ने बनाई है, दोनों का अंतर ला के हमें दिखा दो क्या हो रहा है। एक कल मैंने जिला योजना में भी दिया था, एक सेंट्री खोलने से छत गिर गई। 2009 में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शुरू किया गया सेमेस्टर अब बंद कर दिया गया है। सरकार के सेमेस्टर सिस्टम बंद करने के बाद प्रदेश भर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलपति ने जहां इसे छात्रों के लिए बेहतर बताया तो वहीं कई छात्र छात्राओं ने सेमेस्टर सिस्टम को ही बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि हम साल भर पढ़ाई करते थे, अब एक बार परीक्षा होने पर पढ़ाई से ध्यान हटता जाएगा। देश में सबसे पहले सेमेस्टर सिस्टम लागू करने वाला मध्य प्रदेश वापस वार्षिक परीक्षाओं की ओर मुड़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शिक्षा के स्तर पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही विश्व बैंक की ओर से उच्च शिक्षा के लिए 3,600 करोड़ की सहायता और यूजीसी से मिलने वाले अनुदान से भी हाथ धोना पड़ेगा। मेरा नाम नेहा चौहान है और मुझे सेमेस्टर सिस्टम अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हमको पढ़ने के लिए टाइम वगैरह मिलता है, और अगर सेमेस्टर सिस्टम बंद हो जाएगा तो हमको टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ने का। तो सरकार ने ये जो फैसला दिया है क्या आप इसको गलत मानती हैं? सही मानते हैं, पर सेमेस्टर सिस्टम ज़्यादा सही था। दीप शर्मा नाम है मेरा, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा था वो ठीक था एक्चुअली, क्योंकि एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर हो जाता है तो ठीक रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि जो पढ़ने में दिक्कत नहीं आती एक तो, और एक क्या है कि पूरे साल में एग्ज़ाम देता है, आज बच्चे आलसी हो जाते हैं मतलब, तो पता नहीं चलता उनको, इसलिए सेमेस्टर ठीक था मेरे हिसाब से। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। लोकेश जी, ये सरकार ने जो सेमेस्टर का सिस्टम जो बंद किया है, प्रणाली जो बंद की है, उसको लेकर के आपका क्या सोचना है, क्या मानते हैं आप? इसमें स्टूडेंट का तो नुकसान ही है, क्योंकि जो भी सिलेबस रहता है, जो भी पाठ्यक्रम रहता है, वो पूरा एक ही बार में एग्ज़ाम होती है उसकी, तो पूरा लोड पड़ता है, और एग्ज़ाम अगर सेमेस्टर में मतलब पार्ट में हो जाता है, टुकड़ों में हो जाता है, जिससे उसे आसानी रहती है एग्ज़ाम में, और पढ़ाई में भी इतना लोड नहीं पड़ता एकदम एग्ज़ाम। तो क्या इससे ऑल ओवर अपन ये मान के चले स्टूडेंट का नुकसान होगा? हाँ, मेरे हिसाब से नुकसान है। सर, कैबिनेट की अभी बैठक समाप्त हुई है। विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम को खत्म करने के लिए मोहर लग गई है, उस निर्णय पर क्या कहना चाहेंगे? सर,
ये कुछ समय पहले सारे कुलपतियों की बैठक ली गई थी, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी थे और हमारे जो कुलपतियों की चेयरमैन है मैडम वो भी थी और भी अधिकारीगण थे। तो उसमें ये प्रोजेक्ट किया गया था कि भी किन्हीं आवश्यक कारणों से महामहिम ने ये एक निर्देश दिया है शासन को कि नहीं ये जो है इसको समाप्त किया जाए, एनुअल सिस्टम इसको लगाया जाए। तो मैं तो खुद भी कुछ विषयों के बारे में कहता था कि कुछ विषय ऐसे हैं कि जैसे आपका संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, ये सब कुछ विषय ऐसे हैं कि इसमें आपको सेमेस्टर सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक। जो टेक्निकल एजुकेशन है जी उसमें आपकी आवश्यक है जी, आपको सेमेस्टर कर दीजिए, ट्राइमेस्टर कर दीजिए, वो सब लिए वो ठीक होगा। तो मेरे ख्याल से जो भी अपनी मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय इसमें लिया है वो स्वागत योग है और उसको हम लोग जो भी उस जिस स्पिरिट में किया गया है उसको हम लोग उसका कार्यान्वयन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर अशोकनगर में किसानों को सरकारी खरीद में गेहूं की राशि समय पर नहीं मिल पा रही है, इससे आक्रोशित किसान जन सुनवाई में पहुंचे। सजावट के किसान महेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने 28 मार्च को सोसाइटी जमा कर दी थी लेकिन आज तक सोसाइटी का पैसा वापस नहीं मिला। अपनी उपज की राशि वापस लेने के लिए उन्हें रोज अशोकनगर आना पड़ता है, इसमें उन्हें हर दिन 100 से 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बोवनी का समय आ रहा है, खाद बीज की व्यवस्था करनी है, पैसा नहीं मिलने से व्यापारियों ने भी उधार देना बंद कर दिया है। बरखेड़ा छज्जू के किसान काशीराम शर्मा ने बताया कि उन्होंने 20 दिन पहले अमाही सोसाइटी पर 50 क्विंटल गेहूं तुलवाया था लेकिन आज तक पेमेंट नहीं मिला। भोपाल नगर निगम के अमले ने मंगलवार को शहर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान निगम के अमले ने 10 नंबर मार्केट में अवैध रूप से लगाई गई गुमटियों को हटाया। इस दौरान निगम अमले और गुमटी व्यापारियों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी लेकिन निगम अमले ने अतिक्रमण हटाने के बाद ही अपनी कार्यवाही खत्म की। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।